we will learn the uses of A and M. So first rule is to refer to a class in case of singular noun. यानी कि जहाँ पे हम लोग एक पूरे जाति का जाति को बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. यहाँ यहाँ एलिफेंट सिर्फ एक एलिफेंट का बात नहीं कर रहा है, पूरे जाति का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन का यूज करें. सेकंड, टू क्लासिफाई अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप. कोई भी एक पर्सन को ये बताने ऐसा बताने के लिए कि वो किसी ग्रुप का एक हिस्सा है, जैसे कि मोहन इज अ पॉलिटिशियन. मोहन एक पॉलिटिशियन है, यहाँ पे पॉलिटिशियन पूरा एक ग्रुप कहला रहा है. टू कन्वे क्वांटिटी क्वालिटी इटीसी, बताने के लिए यहाँ पे ए का यूज किया जाता है क्वांटिटी या क्वालिटी को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइस इन देयर हाउस. तो ये लॉट ऑफ चॉइस एक क्वांटिटी है जिसको यहाँ पे बताने के लिए ए का यूज किया जा रहा है. सेकेंड, टू एक्सक्लेम, यानी कि एक्सक्लेमेटरी का यूज कर सेंटेंस में ए का यूज होता है, जैसे कि व्हाट अ लवली प्लेस. यहाँ पे ए का यूज किया जा रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ सिंगल यूनिट और अ टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. एक सिंगल यूनिट को बताने के लिए या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन जिसको हमने एक सिंगल यूनिट बताने के लिए यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, कैपुचिनो इज अ कॉफी. यहाँ हम बता रहे थे कैपुचिनो एक कॉफी का एक क्वांटिटी बता रहा है. नेक्स्ट, टू मेक कंपेरिजन, किसी के बीच में कंपेरिजन करें, तो इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग ए का यूज करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेया वॉन्ट्स टू बी अ माइकल जॉर्डन. नेक्स्ट, टू रिफर टू एन अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन को बताने के लिए, उसके लिए भी हम लोग ए का यूज करते हैं. जैसे कि आई मेट अ मिसेस शर्मा एट द शॉप, सी इज अ अननोन पर्सन, सो वी यूज ए. नेक्स्ट, टू शो रैंक और प्रोफेशन, कोई भी रैंक या प्रोफेशन दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सी इज एन एयर होस्टेस विथ इमेरिट्स. यानी कि कोई भी रैंक या प्रोफेशन दिखाने के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं. थैंक यू.